सो वंस अगेन आज हम लोग एक नई ट्रिप पे निकल रहे हैं और ट्रिप पे हम लोग घूमने वाले हैं और ऐसी अच्छी अच्छी जगह जो आप लोगों ने नहीं देखी है अभी तक वो हम आपको दिखाएंगे हमारे राइजिंग वाला यूट्यूब चैनल के साथ में, जिसमें हमारे कुछ दोस्त वगैरह भी साथ में जा रहे हैं। तो हम लोग आशा करेंगे कि आप बहुत एंजॉय करेंगे हमारे साथ में। और ये हम लोग ट्रिप अपनी स्टार्ट कर रहे हैं अपने घर से और आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे राइजिंग वाला यूट्यूब चैनल। ओके वंस अगेन हम लोग जा रहे हैं एक नई ट्रिप पे और हम ट्रिप कंप्लीट करने वाले हैं मस्त हेरिटेज प्लेस की। जो हेरिटेज प्लेस हम लोग उम्मीद भी नहीं करते कि हमारे लोकल में हेरिटेज प्लेस होगा और वहाँ हमारा एक हेरिटेज प्लेस है और मस्त हेरिटेज प्लेस है। मतलब आज हम शूट करने वाले हैं कुछ हवेलियों को, जो हवेलियाँ या तो हमने टीवी में या मूवी में या हमने किताबों में पढ़ी हैं, आज उसको हम दिखाने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और ऐसे ही एक अच्छी ट्रिप अच्छी राइड हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें हम अपने दोस्तों के साथ अपनी राइड को कंप्लीट कर रहे हैं और हमारे सारे दोस्त आज हमारे साथ हैं। देन हम लोग चल रहे हैं एक मस्त राइड पर, आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल राइजिंग वाला स्टेशन पर। और अभी हम लोग निकल रहे हैं बनी के नगले चौराहे पर, क्योंकि बनी के नगला चौराहा हम लोगों ने जो अपनी ट्रिप स्टार्ट की है वो जैन मंदिर से स्टार्ट की है हमने अपनी ट्रिप को। और हम लोग अभी निकल रहे हैं बनी के नगले चौराहे पर और यहाँ से हम लोग आसाबाद होते हुए या डबरई होते हुए हम आपके जाएंगे बटेश्वर मार्ग पर और बटेश्वर मार्ग से हम पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर। तब तक आप राइड का एंजॉय लीजिए। और यहाँ है आपका आगे गति अवरोधक है। वैसे हम लोग जाटापुरी पहुँच चुके हैं और जाटापुरी से हम लोग रसूलपुर होते हुए हम लोग निकलेंगे अपना आसाबाद और आसाबाद से या तो हम लोग आसाबाद से कट करेंगे या हम लोग डबरी होके कट करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है ना कि आसाबाद पे आपका रेलवे ब्रिज बन रहा है, रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है, इस चक्कर में हो सकता है वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से हमें कोई और रास्ता देखना पड़े, बट जो सूटेबल होगा आपके लिए वो हम आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको हम अपनी और आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। तो जो भी हमारे भाई कब्रगाह या दरगाह या ईदगाह देखने में इंटरेस्टेड हो तो ऐसी वीडियोस भी हम लेकर आएंगे जल्दी, और ऐसी वीडियोज भी फैजाबाद में या फैजाबाद के बॉर्डर पे। रसूलपुर में सावधान रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पे है। सेतु निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के दोनों तरफ हरियाली हरियाली है। बस हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हम लोग अभी तक जितनी जहाँ जहाँ भी हम लोग घूमने गए हैं वहाँ सभी लोगों ने अपनी चित्रकारियाँ बना के रखी हुई है, बस चित्रकारी वहाँ ना हो, क्योंकि हम लोग इसी चीज़ के खिलाफ हैं कि कहीं चित्रकारी ये लोग ना करें। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक मुहिम स्टार्ट की जाए कि जहाँ भी चित्रकारी ये लोग करते हैं ना वहाँ अपना नंबर ड्रॉप किया जाए
ताकि चित्रकारी में भाग लेने के लिए वो लोग आवेदन करें। भाई इतना चित्रकारी का उन्हें शौक है, या तो इनके पूर्वज इन्हीं मुगलों के या हमारे जो हिंदू भाइयों के कभी चित्रकार रहे होंगे। ये तुम्हारा गाजीपुर, हम गाजीपुर पहुंच चुके हैं, ब्राह्मण वंश की गांव जहां ब्राह्मणों की आबादी बहुत ज़्यादा है। अभी तक हम तीन गांव में गए हैं ऋषभ भाई, अब हम तीन गांव में गए हैं, तीसरा गांव ऐसा है सिर्फ ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है ये, ऐसे बहुत ज़्यादा 90%। इसके अलावा रायपुरा गए थे, रायपुरा में अगर 100 घर हैं तो 100 में से 98 घर ब्राह्मणों के हैं, एक घर किसी शेड्यूल कास्ट का था, एक घर और किसी जाए थे, 100 घर हैं अगर तो 98% घर ब्राह्मणों के थे, वो भी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र था हाँ रायपुरा में। इसके अलावा अभी हम पिछले हफ्ते जो गए थे मैं पचोखरा में, तो पचोखरा में वो गांव का नाम नहीं याद मेरे को, उसमें भी वो जो गांव था वो भी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र था, उसमें राजा की घड़ी थी, एक घड़ी मतलब वो जगह एक प्रकार का जहाँ उनका आशियाना का भी रहा होगा, उस वो आशियाना 24 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ था। अब जो इट इज कॉल्ड ताज एक्सप्रेस वे, भाई कहाँ को चलना है बताओ। ये लोग हम लोग ताज एक्सप्रेस वे होके निकल के जा रहे हैं, ताज एक्सप्रेस हम लोग अंडर पास से हम लोग निकलेंगे अपने सो कॉल्ड डेस्टिनेशन पे। तो वैसे लगभग जैसे कि हम आपको बता दें जैन मंदिर से हमारा 38 to 45 किलोमीटर के अप्रोक्स है जहाँ हम लोग डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुँच रहे हैं अपने, ठीक है। और बाकी रास्ता बहुत सीधा सिंपल रास्ता है, ज़्यादा दूर हमें कहीं जाना नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोग जैन मंदिर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जैन मंदिर से हम लोग जाडापुरी होते हुए और रसूलपुर होते हुए और मटसेना वाले रोड पे हम लोग आ गए थे। अगर आप चाहें, अगर आप फिरोजाबाद से बाहर के हैं ठीक है, तो आप आगरा होकर भी आ सकते हैं, आप इटावा होकर भी आ सकते हैं, मैनपुरी होकर भी आप आ सकते हैं, या कानपुर होकर भी, या लेकिन लखनऊ होकर भी आप आ सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमने आपको ताज एक्सप्रेस वे दिखाया था वो आपका आगरा से लखनऊ वाला मार्ग है, इसके बारे में आप जानते हैं, जिस पर जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी सपा सरकार के प्रमुख, उन्होंने उसका जीर्णोद्धार कराया था, उन्होंने उसका निर्माण कराया था, तो उन्हीं की वो देन है कि और जैसा कि हमारे बॉडीगार्ड मिस्टर हरेंद्र भाई ने हमें बताया कि यहाँ कोई शेषपुर नाम से गांव है, उनके जो बाबा थे वहाँ जो बाबा मंदिर पर रहते थे, उन्होंने कोई भंडारा कराया था भगवान के नाम का, उन्होंने भंडारा कराया था, भंडारा कराते वक्त लोगों की या भक्तों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, कुए जो होते हैं ना कुए या पूड़ी सेकने के लिए, उनके पास घी कम पड़ गया था, तो घी की पूर्ति करने के लिए उन्होंने जमुना भैया से उन्होंने प्रार्थना की कि हमें घी चाहिए, आप हमें आज घी दे दीजिए, हम आपको कल घी वापस कर देंगे। तो यही सब कुछ हुआ, उन्होंने बोला कि जाइए अपने भक्तों से बोला कि जाइए यमुना जी से थोड़ा पानी ले आइएगा ताकि उसमें पुए सीख सकें। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, बट पानी लेकर आए वो लोग, और पानी लेने के बाद मैं देखा भाई उसी पानी में उन्होंने अपने पुए सेके और पुए सेक के सभी भक्तों ने उसाद को ग्रहण किया, और अगले दिन जैसे उन्होंने वादा किया था कि अगले दिन वो घी को वापस कर देंगे, उन्होंने वो घी भी वापस कर दिया। ऐसा बताते हैं ये वो मंदिर यहीं कहीं आसपास ही है, तो वो मंदिर के हम आपको दर्शन कराएंगे, अभी दूर से कराएंगे क्योंकि एक्चुअली क्या अगर हम वहाँ भी जाएंगे तो हमारा जो प्लान है वो प्लान हमारा अधूरा रह जाएगा, जो कि हम लोग आपके लिए निकले हुए हैं, तो हम ऐसे काम को क्यों करें, आपसे हमने वादा किया हुआ है कि भाई हमें तो हमें वो काम करना है, क्योंकि आप जानते हैं
आपके लिए तो कुछ भी और कहीं भी। हम ये पहुंच चुके हैं स्वामी शिवानंद धाम सहसपुर। हाँ, यही वो धाम है। दिखाओ उनको जरा एक बार, ये है उनका ये धाम। ठीक है, जिस जिनके बारे में हम आपको बात कर रहे थे वो यही बाबा का मतलब आश्रम है। ये आश्रम है, काफ़ी बड़ा आश्रम है। मौका मिला तो कभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। और काफ़ी बड़ा आश्रम है, बहुत बढ़िया। ये वो लड़का गया ना साइकिल से। हाँ, नीला जो मछली वाला मशीन चल रहा है यहाँ पे, नहीं है वो बगला। हाँ जिंदा भी है, बड़बड़ी भी है। पकड़ना ये दाना मेरा। तलहटी वाले क्षेत्र में आपको दिखाई दे रही होगी वो दूर नजीक वाला क्षेत्र है, ये दूर दूर है ना। और जैसे कि आप जानते हैं कि है ना, मोस्टली जो जमुना जी का किनारे वाले क्षेत्र है ना, मोस्टली उन क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है। बट हमारा जो फिरोजाबाद है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लास्ट टाइम जो बाढ़ आई थी शायद 1993 या 1992 में आई थी या 1994 में आई थी, इस समय पर आई थी। उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो फिरोजाबाद का जो क्षेत्र है, फिरोजाबाद जो बसा हुआ क्षेत्र है वो बहुत ऊंचे पे बसा हुआ है। इस चक्कर में वहाँ ऐसी सीन, पूरा सीन यमुना जी वाला सीन होता है, पूरा सीन यमुना जी वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी यमुना जी हैं और बहुत ही सुंदर दृश्यम नज़ारा है। हाँ, वो पानी बरस रहा है ना, बहुत सुंदर वादियाँ हैं अभी। कौन सा पुल? अच्छा ये वाले कौन से पुल होते हैं? अच्छा ये आपके पीपा वाला पुल है, देख लीजिए भैया। ऋषभ भाई ने बताया कि जो 6 महीने की जो बारिश वगैरह होती है उसमें इनको बनाया जाता है, फिर ये अपने आप ही ख़राब हो जाते हैं। ये पोले हैं, लोहे के हैं, तो ये पानी में तैर सकते हैं, कभी डूबते भी नहीं है। इनके ऊपर से बस भी निकल जाती है। अरे बस छोड़ो, इनके ऊपर से तो प्लेन भी निकल जाता है, लेकिन थोड़ा वो प्लेन उड़ के जाएगा बट निकल जाएगा। और फॉरेस्ट एरिया में आप जानते हैं शेर चीता नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिलता रहेगा आपको। हमारे हरिंद भाई ने बोला कि सो कॉल्ड गोदुआ, गोदुआ बोलते हैं ना, गोदुआ 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 जंगली कुत्ते। आप सियार 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 लोमड़ी, सभी तरह के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। बस यहाँ जो भाई भीगढ़ के जो मालिक हुआ करते थे डाकू, अब वो डाकू नहीं मिलते हैं क्योंकि आप जानते हैं डाकू राज तो ख़त्म हो चुका है। ये आपको साइकिल ट्रैक है भाई साहब, जो आपके अगले साल में बनवाया था, जो कि बहुत दूर तक जाता है। अब देखो ये तो हमें भी नहीं पता इसका शुरुआती पॉइंट कहाँ पर है और अंतिम पॉइंट कहाँ पर है, बट इतना पता है कि बहुत दूर से बहुत दूर तक जाता है। और आपके जो सैफई में लाइन सफारी वाला जो क्षेत्र है ना, उसमें भी आपका साइकिल ट्रैक ही है। खैर अभी हम साइकिल ट्रैक को छोड़ चुके हैं,
उधर आगे पानी भरा हुआ साइकिल ट्रैक पे। और ये हमारे साथ एक छोटा भाई है, भाई तेरा नाम क्या है? अरे तेरा नाम छोटू नाम है, बहुत नाम से पुकारा था उस समय पे। तो अभी छोटू भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं और छोटू भाई हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे और छोटू भाई का एक छोटा सा फ़ोटो भी आएगा जो वो यूट्यूब पे जब चाहें तब देख सकते हैं। किसी के बाहर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, बाहर तहसील है। चल रहा है भद्रौली बात ऐसी। और छोरे तुझे कहाँ जाना है? अच्छा छोरे नाम क्या तेरा? नाम क्या है? छोटू नाम है इसका, ध्यान रखना। क्या तेरा कॉपी पेन है तेरे पास? नहीं है। अरे हम भी नहीं लाए। अरे यार राइडिंग बोला यार आ रहा है सही इंजन। इधर ये हम लोग है ना, जो अभी हम लोग आए हुए हैं, ये हमारा बाह वाला रोड है, ये बाह बदावर वाला रोड है, या ना सके ये फतेहाबाद वाला रोड है, जो कि आपके हम लोग जो अगर आगरा से भी आप इधर आओगे तो आपको फतेहाबाद होके आपको बाह पहुंचना है। बाह से हम लोग निकलेंगे अपना डेस्टिनेशन, अपना भाई सुप्रसिद्ध हवेलियों का गाँव, जो कि जैसा कि हमने आपको पहला ही बताया क्योंकि हेरिटेज साइट घोषित हो चुका है बाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो वो हम आपको घुमाने वाले हैं और हो सका तो हम बिल्डिंग में ही प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो भाई आपके लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। अरे वाह दिख रहा है क्या था? फल लगे हैं।